खूबसूरत शाम और एक और खूबसूरत ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूँ थमतरी में। ये जो व्यू देख के ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं कोरबा से बहुत दूर गया हूँ, पर कहाँ कौन इस डैम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। मैं अभी कंफर्म करके बताता हूँ। बहुत सही लोकेशन है घूमने के लिए, बहुत सही। तो हम लोग हैं बरीधा लेक रिज़ॉर्ट धमतरी में, और जैसा सतरंगा का माहौल रहता है हमारे कोरबा में, वैसे ही यहाँ भी माहौल है सेम, बट सतरंगा से थोड़ा बेटर है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज वे में है और इतना अच्छा रिज़ॉर्ट यहाँ पे जस्ट लेक के बगल में बनाया गया है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जितने भी लोग छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं और कहीं प्लान कर रहे हैं एक दो दिन के लिए रिज़ॉर्ट टाइप का कुछ होना चाहिए और वहाँ जाके अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए न्यू ईयर में, तो आप लोग बरीधा लेक रिज़ॉर्ट को ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा माहौल है और आपको लेक बगल में मिल जाएगी, तो और यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है सुबह सुबह और शाम तक चलती है, फिर तो बहुत अच्छा एक कंप्लीट पैकेज टाइप का आप लोग अपनी फैमिली के साथ आके एंजॉय कर सकते हैं। सो टाइम हो गया है इस खूबसूरत रिज़ॉर्ट को छोड़ने का और जाने का जगदलपुर, जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, और वहाँ पे चित्रकूट फॉल्स वगैरह घूमने का प्लान है। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया है यहाँ से निकलने में। 10 बजे का चेकआउट था, 11 बज रहे हैं, तो अब पता नहीं शायद होटल वाला एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले सकता है। तो चलो चलते हैं, और हमारे नए रिज़ॉर्ट का नाम होगा बस्तर जंगल रिज़ॉर्ट, जो कि गूगल में देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर वही कि गूगल में देखने के बाद गूगल में देखने से समझ में आता नहीं है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट रिजॉर्ट में। कौन है यूट्यूबर यूट्यूब को हाय बोलो, यूट्यूब के ऑडियंस को हाय बोलो, हाय बोलो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जगदलपुर छत्तीसगढ़। इसको क्या बोलते हैं भाई, यहाँ ये छत्तीसगढ़ का स्कॉटलैंड बोलते हैं शायद इसको। अभी हम लोग कहीं घूमने तो गए नहीं हैं, अभी रिजॉर्ट में हैं और बस थोड़ी देर में निकलने वाला, नाश्ता वास्ता हो गया, वो एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया उठने में आज, और फिर क्रिकेट खेलने लगे जिसमें सोनू ने बहुत बुरा परफॉर्म किया। तो अभी निकल रहे हैं घूमने के लिए। तो हम लोग हैं तीरथगढ़ वाटरफॉल पे, और क्या भाई हेलो गाइस, हम भी आना चाहते हैं वाटरफॉल, और जस्ट लुक एट दिस वाटरफॉल। नाम क्या है जगह का, क्या बताओ? दंतेवाड़ा, तीरथगढ़ वाटरफॉल। पिछले 1.5 सालों में बहुत सारी जगहों पर ब्लॉग करने का मौका मिल गया है छत्तीसगढ़ को, बस ऐसे ही भगवान कृपा बनाए रखे तो दुनिया के ऐसे बहुत सारे झरनों के सामने ब्लॉग करेंगे। चलो सुनो, चित्रकूट फॉल्स छत्तीसगढ़। ये भी बहुत
अच्छी टूरिस्ट प्लेस है हमारी छत्तीसगढ़ की। और रिया दीदी बोल रही हैं कि लाइफ जैकेट पहन के कहीं डूब तो नहीं जाएंगे, और जिसको तैरना नहीं आता वो लाइफ जैकेट कैसे पहनेगा बोल रही हैं। तो मतलब आप ऐसे ही बोले हो लाइफ जैकेट पहन के, लाइफ जैकेट पहन के भी स्विमिंग आनी चाहिए बोल रही हैं, इसलिए नहीं जा रही थी। लेकिन फिर थोड़ा ध्यान दिया जाए उतरने की, आ गई हैं। तो चलो बोटिंग करते हैं और व्यू देखो यहाँ का। तो लाइफ जैकेट थोड़ा ढीला है, तो इसके बाद अगर व्लॉग मैं एडिट नहीं कर पाया तो सोनू एडिट करके डाल देना भाई। अभी बोट पे लाइफ जैकेट थोड़ा ढीला है मेरे लिए। तो समुंदर की गहराइयों पे जाते हुए सब अपने अपने घर में बात करते हुए बात तो है मेरी बात कराओ क्योंकि बोट ऐसे 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 हिल रही है, मजा आ रहा है, मेरा तो बहुत आ रहा है। लाइफ जैकेट थोड़ी ढीली है लेकिन मजा बहुत आ रहा है। आ जाओ भाई, चलो हाय बोलो। अरे अंकल बैठी जाने अंकल।